बाघ के नाखून और मूंछ के बाल के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। लांजी तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर कर कर्मचारी ने किया 5 लाख का गबन। और भाजपा प्रवक्ता पर हमला करने आए 2 आरोपी गिरफ्तार। घटना में शामिल प्रधान आरक्षक निलंबित। जांच के लिए टीम गठित। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जहां एक ओर प्रदेश सरकार वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करती है, वहीं जिले में स्थित वन विभाग में बैठे जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते प्रतिवर्ष वन्य प्राणियों की संख्या कम होती जा रही है, खासकर बाघ और तेंदुओं की। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां मंडला वन विभाग की टीम ने जिले के चरई डोंगरी में बाघ के नाखून और मूंछ के बाल सहित बालाघाट जिले के मोहगांव बकवाड़ा निवासियों को रंगे हाथ पकड़ा है और प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है, जिससे परसवाड़ा लाया गया है। तहसील कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी द्वारा SDM रविन्द्र परमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 5 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। देर रात इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी की माने तो ऐसे अनेक रसूखदार हैं जिनके खातों में हजारों रुपए 1 लाख रुपए तक डाले गए हैं। साकेत वानखेड़े द्वारा इस घपले को अंजाम देने की बात प्राथमिक तौर पर सामने आई है, लेकिन लाखों रुपए के इस खेल में और भी लोगों के नाम सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल, लाखों रुपए का ये घोटाला किस करवट बैठता है और इसका अंजाम किस किस को भुगतना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बतौर लांजी SDM उक्त कर्मचारी को 48 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता अभय कोचर पर उनके प्रतिष्ठान पर हमला करने आए 6 से 7 लोगों में से कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में शामिल CSP कार्यालय में पदस्थ प्रधान आरक्षक सुधीर श्रीवास को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। इस मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बघोली बालाघाट निवासी बीरबल नकपुरे और विनय बहेश्वर शामिल है। पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है और आरोपियों के खिलाफ मामला कायम कर जाँच की जा रही है। बालाघाट में द्वारी बाजार के पास कुछ लोग जो शख्स हैं, ये एक आवेदक जो है उनके घर पर, उनकी दुकान पर इनफेक्ट आकर और उनके बारे में पूछ रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो आपको नुकसान पहुंचाने या कोई लड़ाई झगड़ा करने वहाँ पहुंचे हुए हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। और इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस को वहाँ भेजा गया, तो कोतवाली पुलिस ने वहाँ पहुँचकर और वहाँ पर आवेदक और अन्य लोगों की मदद से भी तत्काल वहाँ पर 2 आरोपियों को भी भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको पकड़ भी लिया। तो 2 आरोपी हमारे कब्जे में हैं, उनसे कुछ पूछताछ हुई है, प्रारंभिक तथ्य हमारे सामने आए हैं। और चूँकि इसको इसमें जैसा आपने बताया कि कुछ समाज के मुख्य लोग जो हैं, प्रतिष्ठित लोग इसमें वो हैं कि जिनके ऊपर ये हमला करने की योजना सामने आ रही है, तो इसको बहुत ही गंभीरता से हम लोग जाँच भी कर रहे हैं और इसमें त्वरित कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें अन्य भी कुछ लोग जिनका इन्वॉल्वमेंट होने का समय आ रहा है, तो उन पर भी पूरी सतर्कता से जांच की जा रही है। कोरोना के दूसरे दौर के बाद शासन के आदेश के बाद 21 सितंबर से जनसुनवाई शुरू हो गई है। इस दौरान बालाघाट कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक नजारा देखने को मिला, जहां दूर दराज से अपनी समस्याओं को लेकर आए लोगों की कलेक्टर ने स्वयं सुनवाई की। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने एक एक व्यक्ति की शिकायतों को सुना और जल्द से जल्द शिकायत का निराकरण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन जिला बालाघाट के द्वारा बालाघाट शहर और तहसीलों में भूस्वामी प्रॉपर्टी डीलर्स को हो रही परेशानी को लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शिव जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बालाघाट जिले में भूमि स्वामी और प्रॉपर्टी डेवलपर्स और ब्रोकर्स, ये सब लोग जो अपना खेती रजिस्ट्री का काम करते हैं, उसमें कुछ परेशानियां जो सामने आ रही है, उनकी व्यक्तिगत परेशानियां, उन समस्याओं को हल करने के लिए हम कलेक्टर साहब से मुलाकात करने आए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी CP मित्तल और जिले के प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी का 22 सितंबर को बालाघाट आगमन हो रहा है, जो बालाघाट जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने 3 दिन जिले के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। 25 सितंबर को भाजपा सरकार के खिलाफ साथ ही 10 सूत्री मांग को लेकर जिला मुख्यालय के हनुमान चौक में धरना आंदोलन करेंगे। इस तारीख से लेकर के 22-23 को तो संगठन को और विस्तृत रूप से ये करने के लिए पूरे सभी विधानसभा क्षेत्रों में माननीय मित्तल जी और माननीय गंगा प्रसाद तिवारी जी का कार्यक्रम जो है, कार्यकर्ता सम्मेलन काम होगा।
वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी रेंजर शिशुपाल अहिरवार और उपवन मंडल अधिकारी लांजी राजा खरे को मिली सूचना के आधार पर उपवन मंडल अधिकारी लांजी के मार्गदर्शन में लांजी रेंजर और अधीनस्थ वन अमले के द्वारा आज सुखचंद मरार के घर के पीछे सागौन कास्ट का अवैध रूप से चरान किए जाने की मुखबिर की सूचना के आधार पर मौके से स्टाफ के साथ जाकर जब्ती की गई, जिसके बाद जब्त सामग्री को लांजी डिपो परिवहन कराया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।